so welcome back to my channel. आपको बताने के लिए मगर नहीं बता सकते क्या करूं, कैमरा सामने है, मुंह खुल रहा मगर की वैसे बताने की परमिशन है भी नहीं तब्बू भाई को। आगे आगे चलो बोलेंगे। मैं तो पी रही हूँ यहाँ की फेमस चाय जो बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छी दिखी, लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छी दिखी। आप लोग अभी कभी आपको ये सिकंदराबाद को सॉरी संगारेड्डी अगर रास्ते में मिला और आप यहाँ से गुजर रहे अगर आपको ऑलरेडी ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है लिटरली नाम के जैसा बलाल गाइस। अब मैं हूँ मम्मी उन लोगों के साथ तो उन लोगों से भी पूछेंगे चाय का रिव्यू और हम लगा जा रहे किधर उन लोगों से भी पूछेंगे। अच्छी थी चाय, हम लोग तो जा रहे हैं। पहले सलाम तो करो ऑडियंस। अस्सलाम वालेकुम गाइस। और क्या हम लोग जा रहे हैं एक जगह, आप लोगों को सस्पेंस है तो सलाम। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे, एक क्या बोलते हो सस्पेंस है और एक शॉकिंग न्यूज़ है। आप लोग कैसे, आप लोग हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो जा रहे हैं गुलबर्गा। ओके जरा नज़र की दुआ पर आ लेने। और एक जने हम लोग को एक जने क्या पूरा खानदान सजेशन देवा है। अरे भाई ऐसे बातों में बोली तो अच्छा नहीं दिखता मम्मी कैमरा में, एक बच्ची रह के मैं बोल रही हूँ ये सब बातें बोल के, मेरे को शर्माना चाहिए ये जगह पे। इसलिए हम लोग एक सस्पेंस है, आप लोगों को जल्दी से जल्दी मालूम होता। अब हम लोग जल्दी में गुलबर्गा जाने के बाद हाँ वहाँ से आते से ही मालूम होंगे आपको। दीदी को दुआ, बहुत बड़ा सस्पेंस है, आप लोग बहुत बड़ा सरप्राइज है। कहीं को नहीं आता भैया, बहुत ज्यादा फेमस हूँ मैं हैदराबाद में। यहाँ पे रहते फोन अच्छा चलता था, जैसे ही पे आती कि 5 बार स्विच ऑफ हो गया। अब देखो हम लोग को गुलबर्गा जाने का है, इसके पूरे पैसे अकाउंट में ट्रांसफर भी नहीं कर लिए हम लोग, और मम्मी ATM कार्ड भी देखो फोन ऐसा ऑन हो रहा बंद होते थे ना, इमिडिएटली बंद होते जा रहा। अब इसमें मेन पैसे अकाउंट में कैसा होता कि क्या नहीं, कि हमें तुम्हें ATM कार्ड मैंने क्या मैंने आता था बोलती हूँ। अच्छा तू भी ना रख ली ATM कार्ड, तेरे अकाउंट में तो भी पैसे ट्रांसफर कर लाल तो कितना बंद हो जा रहा। अब कैसा होता कि आईफोन का मजा लगा उसे। आई ना मम्मी चाय की ग्लास फोड़ वाले हट गए से देख रही ना आंटी, मैं तुम्हारे साइड हूं फेंक दो आंटी बाजू। बट हमें ऐसे छोड़ डालते चाय की ग्लास, मैं ऐसा रखने कैसे गई आज तुम्हारे साथ बैक टू बैक ऐसा लाइक होते जा रहा है। फास्ट बूट कर दे मतलब इतना ऑन हुआ गाइस, खाली आप नहीं मालूम क्या होता कि क्या नहीं। क्या बताओ ना तुम कुछ रिवॉल्व मार रहे क्या, तुम रिवॉल्व क्या मार रहे क्या कुछ भी नहीं। सो कई को बैठे हुए गुलबर्गा जाने का मालूम है, फोन पे ऑन नहीं है मगर कि जाना तो है ना। चलो हजार रुपए में सेव बताएंगे अपन क्या कर सकते हैं, गुलबर्गा में जाके हजार रुपए में क्या क्या कर सकते हैं। बहुत बड़ी कहानी हो रही मेरे साथ तो। सो गाइस अब स्टार्ट होते चलो करो बिस्मिल्लाह, चलो बिस्मिल्लाह। और आप लोग अभी आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ भाई गाड़ी पे, गाड़ी क्या बोलते हैं गुलबर्गा की सवारी भी लीजिए और ज्यारत भी करिए हमारे साथ, वो भी बिग सस्पेंस के साथ। चलो काशी बिस्मिल्लाह आ जाओ आबा। आबा किस किस के नाम है।
गाइस फाइनली फोन पे सॉरी फोन खुल गया तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से जल्दी फोन पे मम्मी करो आपको। तो यस गाइस बीच में हम लोग रुके हैं यहाँ पर बिकॉज एक साथ लंबा सफर नहीं कर सकते गाइस और ऑब्वियसली गुलबर्गा का सफर बहुत लंबा है तो ये सब छोटा सा लोकेशन मेरे को अच्छा दिख रहा था तो इसीलिए रोके, थोड़े बहुत फोटोज भी लेंगे एंड थोड़ा सा रेस्ट लेंगे क्योंकि जो ड्राइवर हमारा भाई है उसके पाँव दर्द होते, इतने बड़े बड़े लंबे लंबे टांगा है ना उसके। तो क्या तब्बू भाई, भाई अन्ना बोलो, अन्ना अन्ना बोलो, तोड़ रहे गन्ना तुम्हारे लीप चॉक्स में भी खांसी नहीं आने वाली है बट अच्छा था वो डब्बा का है, डब्बा तो। So guys, finally, अरे भाजी अभी बताना नहीं है सकते अरे बताना बोल ना दरगाह के पास बताना बोल ना भाई, अरे तो मम्मी थोड़ा तो बता दे ना अभी हां बताएंगे चलो गाइस आपको शो करना बोल के था बट इन लोग शो करने नहीं दे रहे, इट्स ओके गाइस अच्छी चीजें अच्छी जगह पे बताना बोलते तो गुलबर्गा जाके बताएंगे बट ये लोकेशन अच्छा दिख रहा तो दो तीन फोटोज मार लेंगे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो आप, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, स्नैपचैट पे भी फॉलो कर सकते हो और ये आजूद माजूद लोगों को भी फॉलो कर लो, क्या करते हैं उन लोगों के भी फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं, चलो जल्दी जल्दी फोटोज ले लेंगे। सो गाइस अब यहाँ पे खेत के साइड आ ही गए तो थोड़े से आपको पपाया के झाड़ भी बता देंगे जो पूरे कच्चे है अभी अंदर ट्रक रखी दी है सो गाइस इन लोगों ने पपैया ले लेके आए वो भी अच्छे अच्छे पके हुए, वो थोड़े कच्चे दिख रहे मेरे को पपैया, वो देखो कितना अच्छा है वो पक्का है वो दे दे मैं इसके साथ फोटो लूंगी। बोलो अय्या ये लोग लेके आए पपैया, बोलो अय्या ये लोग लेके, ये सैफ भाई और काशिफ लेके आए पपैया। अगर रुके थे बीच रास्ते में ऐसी कोई रेस्टोरेंट के पास क्योंकि बोले तो कुछ खाना दिल भर रहा था और चाय पीना दिल भर रहा था और कॉफ़ी पीना दिल भर रहा था तो मैं और मम्मी कॉफ़ी पिए, मैं उसके टाइम पे मैं कैमरे को कैमरे के बैटरी को चार्जिंग लगाई थी और यस गाइस अभी हम लोग आइसक्रीम भी खाए कॉफ़ी भी पिए, अभी शायद मोस्टली हम लोग हाफ एन आवर वन आवर में गुलबर्गा में रहेंगे इंशाल्लाह, तो इन लोगों का सब्जी ने कॉफ़ी चाय सब पिए और हम लोग आइसक्रीम खाए आइसक्रीम प्लस कॉफ़ी। तो आप पैसे कहाँ के बोले तो मम्मी 1000 रुपये रखे हुए थे ना तो उसमें से खर्चा कर लिए बोलो गाइस और कुछ भी नहीं कर सकते बट क्रॉस फिंगर से मम्मी के फ़ोन को चार्जिंग लगाए बट स्टिल मम्मी का फ़ोन ऑन नहीं हुआ गाइस, बस अब सिर्फ दो ही ऑप्शन है, वो दो ऑप्शन क्या है मैं आपको गुलबर्गा जाके बोलती हूँ ठीक है, पहले तो गुलबर्गा पहुँचाना हम लोग अलहम सुकून से फिर देन इंशाल्लाह गुलबर्गा में मिलेंगे अपन। ओके ला पीस हम लोग को छोटी सी दरगाह शरीफ मिली, रास्ते में था हम लोग को तो हम लोग रोके और ज़्यारत करे और जैसा बैक साइड आते कि यहाँ के लोकेशन वाव, शायद कैमरा उतना जस्टिस नहीं कर रहा होगा बिकॉज जो लोकेशन है ना जो ग्रीनरी है खिला के और बहुत सारे स्टेप्स चढ़ के आए हम लोग का लाइक होंगे 50-60 स्टेप्स होंगे बट मम्मी नाम पढ़े थे तो मैं नाम भी आपको बोलना चाह रही हूँ क्योंकि अगर आप लोग अभी गुलबर्गा जा रहे हो और रास्ते में दरगाह शरीफ दिखी तो डेफिनेटली उतर के ज़्यारत कर सकते हैं। तो मम्मी नाम क्या है? शेख मोहम्मद अम्मा साहेब। ओके मेरे को उर्दू नहीं आती गाइस, अगर
मम्मी से अगर कुछ मिस्टेक हो रही तो आप लोग कमेंट करके बोल देना अगर आपको उर्दू अच्छी आती तो. सो यस, और फ्रंट का भी लोकेशन इतना किराक है मालूम है, लाइक सीरियसली बहुत ज़्यादा खुशी होगी ज़्यारत करके. हम लोग आप पहुंच गए थे गुलबर्गा. आप देख रहे होंगे कितना शांत है यहाँ पे भाई, बिकॉज हम लोग जिस टाइम पे गुलबर्गा पहुंचे थे वहाँ के गुलबर्गा के सज्जादे नशीन का पर्दा हो गया था, तो उस रीज़न की वजह से यहाँ पे पूरी चीज़ें बंद थे. ये सुबह के 12-1 बज रहे थे बट स्टिल आप देख सकते हो कि पूरा बंद है. एंड रात का ब्लॉग इसीलिए मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि हम लोग आप पहुँचे, होटल लिए और आराम से रेस्ट करें क्योंकि नेक्स्ट डे सुकून से ब्लॉग शूट करेंगे बोल के. एंड मुझे मिल गए वहाँ पे फैंस. ओह माय गॉड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत सारे फैंस मिले. यहाँ पे गुलबर्गा पहुँचने का तो मेन रीज़न आपको आगे जाने के बाद मालूम होता. एंड हम लोग लाइक फ्रेशअप हुए, सीधा गुलबर्गा के लिए ज़्यारत करने के लिए निकल गए थे और मुझे ज़्यादा बोलने का मौका नहीं मिला भाई, बिकॉज जहाँ पे दरगाह शरीफ रहती और वहाँ पे थोड़ा सा कैमरा शो करना, वहाँ पे बात करना, मैं भी अनकम्फर्टेबल फील हो रही थी और लेना भी नहीं चाहिए एक्चुअली व्लॉग्स, बट आप भी थोड़ा सा साथ में ज़्यारत कर ले सकते हैं बोल के मैं व्लॉग शूट करी. बस ज़्यादा मैं बता ही नहीं वहाँ पे गुलबर्गा के अंदर का, आपको बाहर निकलने के बाद तो आपको हर चीज़ बैक टू बैक मालूम हो ही जाती, तो जितना भी बता सकी मैं बताई. अच्छे से बताई थी, अगर आप नहीं देखे तो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक, आप देखिए वो गुलबर्गा का ब्लॉग. उस टाइम पे मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ गई थी, वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन भी करी थी. वहाँ के एक जनाब थे जो अच्छे खासा एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये सब चीज़ें क्या है बोल के. तो इस बार तो मैं से जितना हो सका उतना शूट करी क्योंकि हमेशा मैं फ़ोन से शूट करती थी तो मैं थोड़ा कम्फर्ट फील करती थी. इस बार कैमरा था मेरे हाथ में तो मैं किसी को भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं कराना चाह रही थी, तो जितना हो सके उतने क्लिप्स ली मैं. तो अभी अपन गुलबर्गा से निकलने के बाद मिलते हैं. ओके बाय गाइस. जैसा ज्यारत करते कि इसमें सबसे पहले याद आती मामू पूरी, कोवा पूरी, जो भी बोलते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बोलना. यहाँ की कुछ स्पेशल स्पेशल स्वीट्स भी दिख रहे थे तो मैं सोची थोड़ा सा सिनेमैटिक ले लूँ बोल के. एंड उसके बाद हम लोग गए थे मस्जिद को, ये किले के पास थी गाइस ये मस्जिद, तो मैं सोची ये मस्जिद का भी लुक बताएंगे बोल के क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब गुलबर्गा को गई थी तो ये मस्जिद को नहीं गई थी मैं. से पहले एक छोटा सा आपको रिवील करके जाएंगे बोल के स्टार्ट करी मैं कैमरा. ओ किसी भी शादी में आए वो पौधे वाली थे तेरे थे तो पे. वैसे तुम शादी कर रहे बाजी, अभी तक भी सस्पेंस है क्या? तो फिर क्या सस्पेंस है बोलो बाजी की. शादी तय ठहर गई ना? सो गाइस, तब्बू भाई की बात से तो आपको थोड़ा बहुत तो डाउट आ गया होगा और हिंट भी मिल गई होंगी, तो आ जाओ अभी. अब तो सस्पेंस नहीं है, बता देना है. अब सीधा सस्पेंस ये बता देने का है तो ये गाइस
इमेजिन करो ये फ्लैश है अकॉर्डिंग 1 2 3 एक बात है गाइस जरा काशिफ नाराज है ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी ऐसा दिख रहा हूँ मैं दिख रहा नहीं है ये नाराज है तो नाराज है रे फाइन गाइस तो आपको मालूम है चाय पर के नाराज हां अपसेट होगा नाराज मतलब वो वाला नाराज थोड़ी अपसेट सो गाइस आपको मालूम मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया गज के आएगा दूल्हे राजा भैया राजा बजाएगा बाजा चलो पॉइंट पे आते हैं गुलबर्गा इसीलिए आए थे कि क्योंकि मम्मी की मम्मी ख्वाहिश ने दूल्हे वाले भी क्या बोलते उल्ला भी बोले जरा धुआं पड़ा लो हाँ एक्चुअली गाइस मेरे लॉस बोले कि गुलबर्गा जाओ क्योंकि आपके कुछ अच्छा शुरुआत करने से पहले हमारा भी सोचे जाके कुछ अच्छा करने से पहले कुछ मीठा हो जाए इसलिए और मीठा हो जाए और अच्छी से जगह पे आगे ज़ियारत करेंगे बोल के तो यस गाइस इसीलिए आना हुआ हम लोग का गुलबर्गा क्योंकि स्पेशली हम लोग अपनी फैमिली पे भी दुआ पढ़ाने वाले थे और मेरे पे भी दीदी की नज़र उतारने वाले जो बहुत ज़्यादा अलग सा था गाइस मेन रीज़न अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती आप इनके सुन सकते अगर आप यूट्यूब पे हिस्ट्री पे मार के देखें तो इसके बाद गए थे हम लंगा कुंजा माँ साहबा दरगाह को लास्ट व्लॉग में भी देखे होंगे आप इसके मेन डिटेल्स मैं कई को नहीं बोलती बोले तो गाइस अगर मैं कुछ गलती बोल दी तो शायद मैं मेरे को भी अच्छा नहीं दिखता अगर आपको एग्जैक्ट मालूम है तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट कर सकते इसके बाद मैं व्लॉग एंड कर दे रही हूँ गाइस क्योंकि इसके बाद के व्लॉग्स बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं तो आप लोग स्टे ट्यून करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं जैसे कि मेरी शादी पक्की हो गई डेट फिक्स हो गई अभी तो आप ये व्लॉग में आप देखे होंगे डेट फिक्स हो गई इसके बाद आप हल्दी घर की साफ सफाई ये सारी चीज़ें आप देखने वाले हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिए इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स के लिए वेट करिए तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जब तक खुश रहिए अपनी फैमिली को खुश रखिए और मेरे व्लॉग्स देखते रहिए अल्लाह हाफिज़ गाइस गाइस आप लोगों को याद होगा शायद लास्ट व्लॉग में मैं मेंशन कर रही थी कुंजा माँ साहब साहबा दरगाह के बारे में तो कुंजामा साहबा दरगाह के बारे में लास्ट वीडियो में भी मेंशन करी थी तो आप लोग जब भी गुलबर्गा आए तो डेफिनेटली यहाँ पे आना वो ज़्यादा पीसफुल और सुकून भी दिखता और यहाँ के पानी के रिलेटेड भी बोली थी कि बहुत सुना क्योंकि बोलते ना शफा है बोल के बोलते ना तो यस तो काशी की आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है ना तो हम लोग सोचे कि यहाँ का थोड़ा सा पानी पिलाएंगे और इन लोगों को भी पिलाएंगे इन लोगों के दिमाग का ज़रा भाजी हम लोग के दिमाग लॉग है वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू हम लोग आए थे कुंदामा साहबी साहबा साहबा
सॉरी गलती हो गई। देखेंगे आप पानी आप पिए पानी को ना मार के भी मतलब बोल मार के भी ले सकते हैं और ये लेकिन रस्सी खींच के ऐसा वेल में